छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने ग्रामीणों के क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से जुड़े महिला कमांडो की बैठक ली, जिसमें जनसेवा के कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि जब से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कमांडो की कमान उनके द्वारा संभाली गई है, तब से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा कहीं और अधिक कारगर साबित हो रही है तथा विभिन्न स्तरों में अपराधों में कमी दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिले के दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था से जुड़कर निस्वार्थ भाव से काम करने के उद्देश्य से महिला कमांडो की नियुक्ति की गई है, जो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े ही सराहनीय ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिसकी तारीफ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने करते हुए पहले से अधिक विश्वासपूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहने की समझाइश देते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण टिप्स दी गई। इस दौरान महिला कमांडो ने अपने समस्याएं रखते हुए कहा कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्र में सक्रियतापूर्वक निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे छोटे बड़े विभिन्न अपराधों की ओर कुछ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो वे रुचि नहीं लेते, जो एक बड़ी समस्या बनकर उनके सामने आ रही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी समस्या तथा शिकायतों में बताया कि हम में से कई महिला कमांडो का संबोधित कार्यालय में ना तो नाम दर्ज हुआ है और ना ही उन्हें पहचान पत्र जारी किया गया है। अधिकारी महोदय ने गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद यथासंभव समाधान करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आज जैसे कि गांव-गांव में महिला कमांडो का गठन हुआ है और वहाँ पर महिलाएं समाज के विकृति को और शराब पीकर उर्दंग करने वाले और ग्राम में असामाजिक जो तत्व है उन लोगों को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिला कमांडो की बहनें आपस में मिलकर काम कर रही हैं, किंतु उन काम तो वह कर रही हैं लेकिन उनका जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत नहीं है। तो इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वे किस प्रकार अपना मजबूत हो सकती हैं, इन सभी को दूर करने के लिए हम सभी विभिन्न जो संस्थाएं हैं जांजगीर चांपा में वे सब मिल करके उन बहनों के आर्थिक स्थिति को मजबूत किस प्रकार कर सकती हैं इसमें जानकारी देने के लिए यहाँ इस सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किए हैं और विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न बहनों और भाइयों और विभिन्न और भी जो संस्था के सदस्य हैं उनके द्वारा इन बहनों को यह जानकारी दिया गया कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार मजबूत बना सकती हैं और कैसे आगे बढ़ सकती हैं और नारी और पुरुष दोनों मिलकर अपने आर्थिक स्थिति को अच्छी करती हुई हमारे इस भारत देश का विकास कैसे कर सकती हैं। बस इसी सब के ऊपर आज का हमारा यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। आपका नाम बताइए। मैं अन्नपूर्णा सोनी सेवा चापा सेवा संस्थान की सचिव हूँ और हमारी सभी बहनें हमारे साथ उपस्थित हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।